कंपनी द्वारा वेतन ना मिलने पर कंपनी के वर्कर करनाल उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने वेतन ना मिलने पर रोष जताया है, साथ ही उपायुक्त निशांत कुमार यादव से वेतन दिलवाने की गुहार भी लगाई है। यहां हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय में नीड ऑन व्हील्स एंड लोकली ऐप होम डिलीवरी करवाने के लिए शुरुआत की गई थी, जिसमें काफी संख्या में लड़कों को रोजगार दिया गया था, परंतु अब इस कंपनी के संचालक द्वारा कंपनी में काम करने वाले लड़कों की एवं सब्जी बेचने वालों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिससे सभी में गहरा रोष व्याप्त है, जिसके चलते आज इस कंपनी में कार्य करने वाले युवा लघु सचिवालय जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे, ताकि उनको कंपनी द्वारा कोई राहत दी जाए और उनको जो बकाया तनख्वाह है उसको दिया जाए। गौरतलब है कि इस कंपनी पर लगभग 15 लाख के करीब रुपया लेकर भाग जाने का आरोप है। अब देखने वाली बात है कि जिला उपायुक्त निशांत कुमार इस मामले में अपनी क्या भूमिका निभाते हैं और बेरोजगार हुए युवाओं को उनकी सैलरी कैसे दिलवाते हैं। फिलहाल बेरोजगार युवा अपनी मांग को लेकर लघु सचिवालय में मीडिया से भी रूबरू हुए। व्हील और लोकली जो है लगभग लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, सितंबर नवंबर के अराउंड, ठीक है। तो मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, तब भी सैलरी अटक अटक के आती थी, बस ये था कि ऊपर नीचे आ जाती थी, ठीक है। फिर दो महीने की मेरी तब भी अटकी थी, तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में उनका जैसे डीसी सर ने प्रमोट किया तो काफ़ी ऑर्डर्स आए, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे उनका जो बिजनेस है रनिंग में आया, तो उन्होंने हमारी सैलरीज तब की थी, ठीक है। फिर उसके बाद से दोबारा से इन्होंने रोकनी स्टार्ट की, ठीक है, और 3.5 महीने की मेरी पर्सनली रुकी हुई है। आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं आप? सर यही था कि भी डीसी सर ने प्रमोट किया है एप्लीकेशन को, तो उनसे एक बार मिलके कुछ अगर वो कर पाए हैं सपोर्ट हमारे। क्या मांग करते हैं आप लोग? सर बस हमारी सैलरी दिलवा दी जाए, और इतना है कि इस जैसी फ्रॉड कंपनी से लोगों को थोड़ा सा बचा के रखा जाए, कि भाई लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए कि भाई इस तरह की फ्रॉड कंपनीज में, ठीक है, ना तो वो मतलब उनको सपोर्ट ना करे बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली क्या है कि अब ये इस शहर में फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि वेंडर्स के पेमेंट मारे हैं, रेस्टोरेंट्स के पेमेंट मारे हैं, इवन जो लोगों का बल्क में ऑर्डर्स आए थे लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है, तो उनके जो है ऑनलाइन पेमेंट्स आई थी बहुत सारी, तो वो भी इन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं किए। जिनके कॉल्स आए उनके थोड़े बहुतों के तो रिटर्न हुए हैं, यही रीज़न था कि इनके ऑर्डर्स भी काफ़ी डाउन हुए थे कि उनके पैसे ही नहीं रिटर्न हुए। तो आपने जब उनसे बात की जो कंपनी चला रहे थे, उन्होंने क्या कारण बताया तनख्वाह ना मिलने? उन्होंने यही बोला कि फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि अभी हम लोगों ने इतना देखा है कि 5 से 7 लाख रुपए जो वेंडर्स के मारे हैं, जो रेस्टोरेंट्स के पेमेंट मारी है, तो वो पैसा गया कहाँ? मेन बात तो ये है, अगर 15 लाख रुपये मार्केट का मार लिया है तो वो 15 लाख तो उनकी जेब में ही है ना, तो वो हम लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा, सैलरी क्यों नहीं आई हमारी, सबसे मेन चीज़। मतलब उन्होंने अपना ऑफिस का सामान लेके भाग रहे थे, जिसको हमने ऑन द स्पॉट पकड़ा है, तो आज हम उसके लिए अपने FIR भी किए हैं। उसके बाद हम डीजी साहब के पास आए हैं अपने गुहार लगाने के लिए, तो डीजी साहब अभी है नहीं यहाँ पे, तो उनका वेट कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो उनको बताएंगे। कौन सी ऐप थी और कब से आप? सर ये ऐप थी नीड्स ऑन व्हील और लोकली फूड डिलीवरी, जो हमारे डीजी साहब ने ही प्रमोट की थी, तो उसके बारे में हमारे 4 महीने की सैलरी मिल जाती है, किसी की 3 महीने की रहती है, किसी की 2.5 महीने की रहती है, तो सभी के पैसे उन्होंने लेके चले जाने की तैयारी है, और फोन किसी को उठाते नहीं है यहाँ, इंक्लूडिंग कल भी उन्होंने फोन किया पुलिस वालों ने भी, तभी उन्होंने किसी का फोन उठाया। आप कितने समय से वहाँ पर नौकरी कर रहे थे? सर मैं वहाँ से 6 महीने से काम कर रहा था, मुझे 2 महीने की सैलरी मिलती जो चार्ज रहती है मेरी। तो पहले की सैलरी टाइम पे मिल जाती थी? नहीं, स्टार्टिंग में तो मिली है, मई में मैंने काम किया था, मई में मिली, जून में मिली, फिर जुलाई से शुरू हो गया, जुलाई में मिली, अगस्त में मिली, फिर तब से अब तक सैलरी नहीं मिली हमें किसी को। आज किस लिए आए हैं आप लोग? सर आज हम इसलिए आए हैं कि क्योंकि प्रमोट डीजी साहब ने की थी, थोड़ा उनसे भी अपना गुजारिश करेंगे कि हमारी सैलरी दिलाई जाए। करनाल से कितने कर्मचारी हैं टोटल? सर अभी तो हम यहाँ पे तो 4-5 ही है, 2-3 बंदे उधर गए हैं, 8 बंदे हैं टोटल। तो मोस्टली हमारे पहले बहुत सारे बंदे थे, स्टूडेंट भी पूरे करनाल का स्टूडेंट हमारे पास 70-80 स्टूडेंट है, जिनके पैसे रहते हैं, जो होटल वाले हैं उनके पैसे रहते हैं, वो अभी आए नहीं यहाँ पे, हम लोग आए हैं, हम स्टाफ से थे। कुल कितने पैसे फंसे हुए अभी आपके? कम से कम जो कुल पूरे करनाल के लगा लो 15 लाख रुपये होंगे, और जो हमारे स्टाफ के पैसे होंगे 5 लाख रुपये होंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.